तो देखो यार, 2024 में जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज आ रही हैं वो आ रही हैं कम। लास्ट जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी थी वो थी बड़े मियां छोटे मियां। उसके बाद अगर किसी बॉलीवुड मूवी का वेट था लोगों को तो वो था कबीर खान की डायरेक्शन में बनी मूवी चंदू चैंपियन। ये मूवी है, अपुन ने देख ली है मूवी। अब मैं आपको बताऊंगा इसके प्लस माइनस और क्या आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके और पैसे कर दे के ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो, मोटिवेशन और आपको अगर पंप अप करना है तो एक ऐसे बंदे की स्टोरी जो जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उसको शुरू से ही खेलकूद में बहुत इंटरेस्ट था और उसको सिर्फ एक ही चीज थी कि यार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करना है जिससे इज्जत बढ़े। उसका भगवान और नसीब के साथ कुछ अजीब सा रिश्ता रहा शुरू से, इसीलिए ऐसा बच्चा जिसके इतने बड़े सपने थे वो अपने गांव से निकल के भाग के चला जाता है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, जहां पे उसको 1965 की वॉर में बुरी तरह घायल हो जाता है, 9 गोलियां लगती हैं। इसके बाद ये बच्चा अब जद्दोजहद करते हुए अपनी जिंदगी से हार ना मानते हुए मोटिवेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल देते हुए एक दिन पैरालंपिक, इंडिया का फर्स्ट पैरालंपिक मेडल लेकर आता है। तो कार्तिक आर्यन ने ये रोल प्ले किया और ये कहानी है रियल लाइफ स्टोरी पे एक आदमी का जिसका नाम है मुरलीकांत पेटकर। पहले तो ये बोलना चाहता हूं कि ऐसी कहानियां हमें नहीं पता, तो हैट्स ऑफ टू कबीर खान जिन्होंने रिसर्च करी और ऐसी कहानी हम लोगों के सामने लाई, क्योंकि मोटिवेशन बन सकती है बहुत लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि भाई मूवी को एज अ ऑडियंस कैसी लगेगी मूवी या क्या है। देखो, कबीर खान का एक स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग है जो अच्छा ही है। वो बुरी मूवी, उनकी मजबूरी है कि वो बुरी मूवी नहीं बना सकते, ये तो बात है। उनकी हर फ्रेम में आपको दिखेगा कि बंदे में दम है, डायरेक्टर में दम है, मगर यहां पे कहीं ना कहीं आपको भाग मिलकर भाग की फीलिंग आएगी, बचपन के सीन्स जब आएंगे। और मुझे थोड़ा बहुत, मैं 2-3 जगह मैं पढ़ भी चुका हूं और मुझे भी, मेरी भी वही फीलिंग थी कि फॉरेस्ट गंप से भी आपको वो जो भोलापन है कार्तिक आर्यन का, वहां से भी थोड़ा थोड़ा सा आपको एक फील आएगा। तो मूवी ओवरऑल चलती रहती है, अच्छी स्पीड पे चलती रहती है। बीच में कहीं कहीं गैप्स हैं जहां पे आपको लगेगा यार मूवी ना थोड़ी सी लंबी हो रही है, और मोर स्पेशली जब हम कह रहे थे कि, सुनने में आ रहा था कि कार्तिक आर्यन की बेस्ट परफॉर्मेंस है, नेशनल अवार्ड दे दो। देखो, मैं पर्सनली नेशनल अवार्ड वाली परफॉर्मेंस तो नहीं मानता, कुछ हीरो होते हैं आपको दिखेगा कि कार्तिक आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी है, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार वो आउटस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। विजय राज को मैं मानता हूं कि इस बंदे को और प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, इसमें है रियल टैलेंट, डेप्थ जो इनके करेक्टर में थी वो मुझे देखने में बहुत मजा आया। राजपाल यादव को देखने में बहुत मजा आया। कबीर खान ने स्टोरी, देखो कहानी है इस मूवी की, ठीक है, कुछ पिक्चरें होती हैं जो कहानी के बेसिस पे चलती है, इसको कोई बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं लगाया गया है, पर कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेक्स भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस अच्छी है, वन ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा, बट नॉट द आउटस्टैंडिंग वन। विजय राज की अच्छी है कहानी, मूवी देखने में आप देखोगे जब बाहर आओगे तो हर कबीर खान की मूवी की तरह एक फील गुड फैक्टर आएगा, चाहे वो 83 ले लो या बजरंगी भाईजान ले लो, फील गुड फैक्टर से आप बाहर निकलोगे। मगर बड़ा सवाल, क्या आज की डेट में लोग इस मूवी को, इस तरीके की मूवी को देखना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, यार मुझे पर्सनली लेवल पे डाउट है। हालांकि मैं चाहता हूं मूवी चले, बिकॉज वैसे भी थोड़ा सूखा ही चल रहा है, मगर अगेन मुझे लगता है ये मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक में बनी हुई है। हाल फिलहाल में मैदान का भी देख लो आप, भाग मिल्का भाग एक्सेप्शन थी, उसके बाद बहुत सारी बायोपिक्स आई है जो बहुत ज्यादा लोगों को एक्साइट मेरे हिसाब से करती नहीं है। तो इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं है भयंकर कि मैं आपको बोलूंगी जाओ यार मिस मत करना, बट हाँ भाई मोटिवेशन और एनकरेजमेंट और अगर पंप अप होना है ना तो कबीर खान की ये कहानी अच्छी तो है भाई, बुरी कहानी तो नहीं है। मैं जाऊंगा इस मूवी को लेके कहीं ना कहीं 3 से 3.5 स्टार, कम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि देशभक्ति की मूवी है भाई, मैं कम, इससे कम तो बनती भी नहीं है। और फ्रेम्स और शॉट करने का प्रोडक्शन वैल्यू वो भी सब अच्छी है, लगता है कि आपको अच्छे डायरेक्टर ने काम किया है, पैसा लगा हुआ है। ओवरऑल गुड मूवी बट नॉट एन आउटस्टैंडिंग मूवी जो मतलब रिपोर्ट्स पे आ रहा था। बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय। भाई देवे कार्तिक आर्यन के लिए अच्छा है भाई, बंदा एक्टिंग में ग्रो करना तो चाह रहा है, उस लेवल पे कब पहुंचेगा वो एक अलग बात है, बट मेहनत कार्तिक आर्यन की जरूर दिख रही है। टेक केयर, बाय बाय।